हे गाइस, वेलकम बैक। सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं बोलूँगा, बहुत ज़्यादा डेटा इन्फॉर्मेशन है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा और पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि सारे जो भी टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे रिलेटेड टू है नेक्स्ट अपडेट, जो कि अक्टूबर का डेवलपर अपडेट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सो मैं आशा करूँगा आप सब ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, और अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लग रहा है, कि आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं इन चीज़ों को लेकर। बट उससे पहले गाइज, चैनल पे एक गेमिंग फ़ोन का गिव अवे चल रहा है, और मैं चाहूँगा पार्टिसिपेट कर लो। और पार्टिसिपेट करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वो वीडियो लिंक है, वहाँ पे उस वीडियो में आपको कमेंट करना है और उस वीडियो को लाइक करना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कर लेना, एंट्री हो जाएगी। 5.5 लाख सब्सक्राइबर्स जब कंप्लीट होंगे उस दिन मैं विनर डिक्लेयर करूँगा, तो बहुत मज़ा आने वाला है। अब सबसे पहले मैं आपको सच में मैंने ये कुछ अटैक्स देखते हैं मीनवाइल। सो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अक्टूबर के जो अपडेट हैं और डेवलपर अपडेट, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम यहाँ पे बात करेंगे वो है क्लैन रिक्रूटमेंट, मतलब नया क्लैन हो पुराना क्लैन हो, प्लेयर्स तो चाहिए होते हैं क्लैन में, और आप कैसे प्लेयर्स को जुगाड़ करेंगे, क्योंकि आपको पता है ग्लोबल चैट जो है वो अब बंद होने वाला है। सो ग्लोबल चैट एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था जहाँ से आप नए प्लेयर्स को रिक्रूट कर सकते थे। यस, मेरे को पता है कि रिलायबल प्लेयर्स थोड़ा मुश्किल होता था वहाँ पे मिलना, मतलब बहुत सारे प्लेयर्स होते थे जो हॉपर्स टाइप के होते थे एंड स्टे नहीं करते थे क्लैन में, और कभी कभी कुछ ऐसे प्लेयर्स भी होते थे जो आपके रिक्वायरमेंट में या फिर आपके जो भी आपकी प्लानिंग वगैरह होती है वहाँ पे फिट नहीं बैठते थे। सो ये एक प्रॉब्लम था, है कि नहीं, आप भी मेरे को बता सकते हैं इसके बारे में। जैसे मैं मसलन एक एग्जांपल देता हूँ आपको, समझ लीजिए आप एक प्लेयर ढूंढ रहे हैं, वॉर प्लेयर ढूंढ रहे हैं, बट हो क्या रहा है, जो प्लेयर जो बंदा आपके क्लैन को ज्वाइन कर रहा है ग्लोबली, वो वॉर प्लेयर ही नहीं है, वो फार्मर है। हो सकता है ऐसा, होता भी है ऐसा। सो ये सारे प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे थे, तो इसका बहुत एक अच्छा सोल्यूशन निकाला है सुपरसेल ने, सो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, जैसे मैंने बताया ग्लोबल चैट खत्म होने वाला है, और उसकी जगह एक नया सिस्टम जो है इस सिस्टम को ओवरटेक करने वाला है, वो है प्लेयर टू क्लैन एंड क्लैंस टू प्लेयर का एक बहुत अच्छा मैच मेकिंग सिस्टम। अब मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ कि इसमें होगा क्या। बेसिकली सबसे पहली बात ये होगी कि लेबल्स हो जाएंगे, लेबल्स, ठीक है, दो तरह के, एक होगा प्लेयर लेवल्स, एक होगा क्लैन लेवल्स। मतलब मैं आपको मसलन एग्जांपल देके समझाऊंगा। समझ लीजिए आप एक फार्मर हो, मतलब फार्मिंग बहुत ज़्यादा करते हो, आप डोनेशंस काफ़ी अच्छे देते हो, आप वॉर भी अच्छा खेलते हो, तो आप अपने प्रोफाइल में ये सारी चीज़ों को सेट करोगे कि आपकी स्पेशलिटी क्या है, आप करते क्या हो। और मैं एज ए क्लैन लीडर या फिर आप एज ए क्लैन लीडर, आप अपने क्लैन में भी लेबल सेट करोगे कि आपको कैसे प्लेयर्स चाहिए, आपको वॉर प्लेयर्स चाहिए, आपको डोनेटर्स चाहिए जो डोनेशंस करें। सो अब कोई भी बंदा जो, समझ लीजिए एज ए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर मैं अपने आपको एज ए वॉर प्लेयर दिखाऊं अपने लेवल में कि मैं वॉर प्लेयर हूँ एंड मैं डोनेशंस भी करता हूँ, और एक क्लैन है जो वॉर प्लेयर चाहता है और डोनेटर्स भी चाहता है, तो हम दोनों का मैच हो रहा है अच्छे से। अगर क्लैन में एक्टिव प्लेयर्स हैं, अगर क्लैन में सब सही है, सो हम दोनों का एक अच्छा मैचअप बन रहा है, क्योंकि पहले तो हमें पता नहीं था कि ये क्लैन वॉर करता भी है या नहीं करता है। बहुत टाइम हम लोग क्या करते हैं, एक क्लैन ज्वाइन करते हैं, उसके बाद वहाँ पे जाके देखते हैं कि ये क्लैन तो वॉर ही नहीं खेलता, मैं तो वॉर खेलने के लिए आया था, तो कोई सेंस नहीं बनता। सो आप समझ रहे हो, ये बहुत अच्छा एक सिस्टम है जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगा देख के, और मैं चाहूँगा आप लोग भी इसके बारे में अपनी राय दो। ये हो गई पहली बात। अब दूसरे बात में आते हैं। अब देखो, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि पहले क्या होता था, अगर आप कोई एक अच्छा प्लेयर देखते हो सकता है कि ग्लोबली आपको एक अच्छा प्लेयर दिख रहा है, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई एक अच्छा प्लेयर है, या फिर आपने एक बंदे को अटैक किया है जो कि काफ़ी अपग्रेडेड है, अच्छा है, आपके ऊपर कोई अटैक कर रहा है जो भी काफ़ी अपग्रेडेड है, काफ़ी अच्छा अटैक किया उसने आपके ऊपर, तो आप उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो, या फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं, आप डायरेक्ट उसको इनवाइट कर सकते हो। पहले इनविटेशन भेजने के लिए होता क्या था, मैं आपको बताता हूँ, आपको उसको फ्रेंड होना पड़ता था, है कि नहीं, आपको उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करना है, वो एक्सेप्ट करेगा तो आप उसको इनवाइट कर सकते हो अगर वो क्लैन में है भी तो। बट अभी क्या है, अभी अगर सच में आप वॉर में कोई बंदा आपके ऊपर अटैक करता है और उसका आप प्रोफाइल जाके चेक करते हो कि वो किस टाइप का चीज़ ढूंढ रहा है, मतलब वो एक वॉर क्लैन ढूंढ रहा है, वो एक डोनेटिंग क्लैन ढूंढ रहा है, ये वगैरह, और आपका क्लैन जो है उस रिक्वायरमेंट को फिल कर रहा है, तो आप उसको इनवाइट कर सकते हो, क्योंकि उसके रिक्वायरमेंट्स और आपके क्लैन के रिक्वायरमेंट्स मैच कर रहे हैं, और फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जो है, आपका क्लैन जो है या फिर वो बंदा जो है वो आपके फ्रेंड लिस्ट में है या नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो। तो ये बहुत सही चीज़ है, ये दो टूल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा मददगार होने वाली है मेरे हिसाब से, वो तो आने वाले टाइम पे पता चलेगा कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, पर मेरे हिसाब से कि पहले से तो अच्छा ही होगा,
ये मेरा मानना है, क्योंकि ये जो इन्होंने अपडेट्स के जुगाड़ ढूंढे हैं मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे और मे भी ये अच्छे होंगे। अब बात करते हैं कि कुछ और टॉपिक्स के ऊपर में, ये तो हो गया रिक्रूटमेंट्स के कैटेगरीज में, अब और क्या क्या अपडेट्स आने वाले हैं जो कि छोटे मोटे अपडेट्स हैं, कोई बड़े अपडेट्स नहीं है, बट उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा कि क्यों ये छोटे अपडेट्स हैं और बड़ा क्यों नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं UI चेंज ऑफ सीजन चैलेंजेस, ये भी एक नया अपडेट है, छोटा अपडेट है बट आई गेस कि थोड़ा काम का अपडेट है। कैसा है, जो सीजन पास परचेज करते हैं हम लोग, मतलब गोल्ड पास जिसे हम बोलते हैं, वहाँ का जो यूज़र इंटरफेस है, मतलब लोग जैसे समझते हैं उसको कि कहाँ से क्या होगा, कहाँ क्या मिलेगा, उसमें भी चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, यूज़र इंटरफेस चेंज होगा, ऐसा चेंज नहीं है, प्राइस कोई चेंज नहीं है, हो सकता है इन फ्यूचर हो, रिवॉर्ड्स भी सेम ही रहेंगे, बट जो यूज़र इंटरफेस है, जो दिखने का स्टाइल है वहाँ पर, वो थोड़ा चेंज होगा, वो थोड़ा यूज़र फ्रेंडली होने वाला है। सो ये एक अच्छी बात है, वैसे मेरे को इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगा है जो एग्जिस्टिंग है, बट हो सकता है कि उसमें कोई कमी हो, उनको ऐसा लग रहा हो, उसको वो लोग चेंज करेंगे, विच इज़ गुड। अब बात करते हैं एक और बहुत सही, बहुत ही अच्छी चेंज के बारे में, जो है क्विक ट्रेन के स्लॉट्स। आपको पता है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा, अगर आप यहाँ पे जाते हो, ये आपका क्विक ट्रेन का सेक्शन है यहाँ पे लास्ट वाला, सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पहले वाले में क्या होता है, आपकी प्रीवियस आर्मी जो आपने लास्ट टाइम यूज़ करी थी वो आपकी दिखाती है यहाँ पे, और तीन सेट ऑफ आर्मी आप ट्रेन करके रख सकते हो, जो कि मैंने ये रखे हैं, मैं चाहता हूँ आप मेरे कॉपी कर लो, मज़ा आएगा। ओके, सो सारे जो आर्मी मैंने रखे हैं वो थोड़े हेवी हैं ऑन डार्क एलिक्सिर, क्योंकि मेरा डार्क एलिक्सिर बहुत सारा है मेरे पास। अब देखो, छोड़ो इन सारी बातों को, अब यहाँ पे बंदा ये क्या है, तीन सेट बना सकता है कोई भी बंदा। अब आप क्या कर सकते हो इस अपडेट के बाद, और तीन, मतलब टोटल छः बना सकते हो, जो कि बहुत वाइटल चीज़ है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे डिफरेंट जब नए नए स्ट्रेटजी के ऊपर काम करते हैं तो ये पुराने वाले डिलीट करने पड़ते हैं। सो ये एक अच्छी बात है, छः और विदाउट जेम्स मिल रहे हैं आपको, मतलब कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, कोई जेम्स खर्च करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सुपर सेल का ये रेपुटेशन रहा है, कुछ भी डालते हैं तो उनको जेम्स में डालते हैं या फिर पैसे में डालते हैं। जैसे कि आपको पता है, वॉर बेस अगर आप एक्स्ट्रा बढ़ाना चाहो, 1000, 1500, 2000 जेम्स है, ये बहुत रेडिकुलस है मेरे हिसाब से, बहुत बकवास है। ठीक है, गुड। अब एक और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, मतलब ये लास्ट वाली बात तो थी बहुत गजब की, इसके बाद वाली जो बात है वो मेरे हिसाब से उससे भी गजब है, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। गाइस, क्लैन गेम्स, आपको पता है सब लोग, हम लोग क्लैन गेम्स खेलते हैं। अब क्लैन गेम्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज वो लोग डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, अब हम लोग का देखिए एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, लोग किसी किसी क्लैन में लोग क्या करते हैं, क्लैन गेम्स सिर्फ थोड़ा सा खेलते हैं या फिर एक छोटा सा कुछ करके छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर क्लैन वाले मेहनत कर रहे हैं और सारे टीयर्स जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं, सारे रिवॉर्ड्स के जो टीयर्स है वो अनलॉक कर रहे हैं, तो अगर वो एक चैलेंज भी कंप्लीट करते हैं तो भी उनको रिवॉर्ड सेम ही मिलेगा, सारे रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे। अब इसमें होता क्या है, एक तो आपके क्लाइनमेट्स अच्छा एफर्ट नहीं डालते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, और रिवॉर्ड्स उनको सेम मिल रहा है तो उनकी जो ये एक्स्ट्रा मेहनत है वो भी बेकार लगती है, कि बेकार हो रही है। अब इसमें एक बहुत बड़ा अच्छा चेंज यहाँ पे डाल रहे हैं ये लोग, जो कि मेरे को सच बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, वो ये है, अगर आप हार्ड वर्किंग हो, अगर आप बहुत ज़्यादा चैलेंजेस कंप्लीट करते हो, तो आपको किसी भी एक टीयर में से, अच्छे से ध्यान से सुन लीजिएगा, सारे में से नहीं, किसी भी एक टीयर में से, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, समझ लीजिए किसी एक क्लैन गेम्स में लास्ट वाला जो टीयर है, सबसे लास्ट वाला, वहाँ पे एक बुक ऑफ हीरो भी है, एक बुक ऑफ फाइटिंग भी है, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। सो आप चाहते हैं, आपको दोनों की ज़रूरत है, बट आपको पता है आप एक ही ले सकते हो, बट इस अपडेट के बाद ये होगा, अगर आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, अगर आप ज़्यादा पॉइंट्स ला रहे हो अपने क्लैंस के लिए, अपने क्लैन गेम्स में, तो आप किसी एक टीयर में से, अब ऑब्वियसली लास्ट ईयर में ही सिलेक्ट करोगे, क्योंकि लास्ट ईयर में रिवॉर्ड सबसे बड़े होते हैं, सो लास्ट ईयर में से आप चाहे तो दोनों ले सकते हो, ठीक है, किसी एक टीयर में से ले सकते हो, बट ऑब्वियसली सब लास्ट में ही लेंगे, क्योंकि लास्ट वाला रिवॉर्ड सबसे बेहतर होता है। सो आप दोनों ले सकते हो, मतलब बुक ऑफ फाइटिंग भी ले सकते हो, बुक ऑफ हीरो भी ले सकते हो, अगर आप ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, अगर आप ज़्यादा पॉइंट स्कोर कर रहे हो। सो इसके मदद से होगा क्या, सबको एक मोटिवेशन मिलेगा, आपके जो क्लैंस के जो लोग थे पहले 50 या 100 पॉइंट करके छोड़ देते थे, क्योंकि उनको फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनको पता है हम सारे रिवॉर्ड्स हमको सेम मिलेंगे, अब वो लोग जो हैं वो थोड़ा पुश करेंगे, जो कि बहुत सही है, क्योंकि इसमें होगा क्या, वर्कलोड जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। ये सारे चेंजेस, नेक्स्ट चेंज के बारे में बात करेंगे, जो कि मेरे को पता है इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लोग के लिए जो है इफेक्ट नहीं करेगा, लेजेंड लीग का एक इंपॉर्टेंट चेंज है। अब मेरे को पता है कि लेजेंड के भी प्लेयर है, ऐसा नहीं है, नहीं है, बहुत सारे हैं, लेजेंड लीग का एक चेंज है, और कोई बड़ा चेंज नहीं है, बट बहुत ही इफेक्टिव चेंज में भी हो सकता है ये चेंज किया लेजेंड लीग में। आपको पता है हर लीग में, ये लेजेंड बोलो या फिर क्रिस्टल बोलो, गोल्ड बोलो, हर लीग में होता क्या है, अगर आप अपने बेस में कोई भी चेंजेस करते हो, समझ लो एक ट्रैप को भी अगर आप थोड़ा छेड़छाड़ करोगे ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर समझ लो मैं अपने बेस में ये अगर गोल्ड माइन जो मेरा है इसको भी मैं थोड़ा छेड़छाड़ करूँ अपने बेस में नहीं बोलूँगा, जो मेरे बेस यहाँ पे सेट है, तो उनको मैं चैलेंज नहीं कर सकता अपने क्लाइंटमेट्स को, उसमें कूल डाउन लग जाता है 24 घंटे का,
ये बहुत ही अनॉइंग है क्योंकि मैंने कोई मेजर चेंज किया नहीं है, मैंने एक छोटा सा ट्वीक किया है, समझ लो कहीं स्प्रिंग ट्रैप को मैंने चेंज कर दिया क्या, या फिर थोड़ा जायंट बम को चेंज कर दिया, फिर भी मेरे को 24 घंटे का कूलडाउन जो है वो झेलना पड़ता है। बट इस अपडेट के बाद क्या होने वाला है गाइज, लेजेंड लीग में जो आप बेस चेंजेस करोगे वहाँ पे टेस्ला टार्स एंड ट्रैप्स, ये दो चीज़ का अगर आप छेड़छाड़ करते हो तो आपको कोई कूलडाउन नहीं आएगा, जो कि बहुत सही है क्योंकि ये छोटे छोटे चेंजेस हम करते रहते हैं अपने बेस में, कहीं जायंट बम का पोजीशन चेंज करते हैं, कभी टेस्ला का पोजीशन चेंज करते हैं, क्योंकि टेस्ला भी एज ए ट्रैप बोल सकते हो आप, क्योंकि जो बंदा आपको अटैक कर रहा था वो टेस्ला उसको नहीं पता होता है कहाँ है, तो उसको भी एज ए ट्रैप आप मान के चलो, तो ट्रैप्स को आप चेंज कर सकते हो और आपको कूलडाउन नहीं लगेगा, ये मेरे को बहुत सही लगा। और फाइनल एक और चेंज है जो कि मेरे हिसाब से ये चेंज भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने खुद देखा ये चेंज मेरे क्लाइन में, बहुत लोग जो हैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, वो ये है कि आपका जो हर सीज़न एंड के बाद जो आपकी बिल्डर बेस की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट की मेन विलेज, बिल्डर बेस में जब भी सीज़न ख़त्म होगा आपके जो ट्रॉफीज़ जो है वो रीसेट हो जाते थे, पहले भी रीसेट होते थे, अब भी होंगे, बट पहले वो 4,000 में होते थे, अब वो होंगे 5,000 में, मतलब मसलन अगर आपके पास 5,500 ट्रॉफीज़ है, सीज़न एंड होने के बाद आप 5,000 में आ जाओगे, नॉट की 4,000 में आ जाओगे जो पहले आते थे। सो ये कुछ चेंजेस थे जो कि डेवलपर अपडेट में आए हैं, आने वाले हैं बोल सकता हूँ। सो ठीक है, अच्छे चेंजेस हैं, मेरे को तो काफ़ी अच्छे लगे क्योंकि गेम का बैलेंस में कुछ इफेक्ट डालेंगे एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंजेस में कुछ इफेक्ट डालेंगे, साइड में रखता हूँ इन सब चीज़ों को। अब बात करते हैं कि कोई बड़ा अपडेट क्यों नहीं, क्यों कोई नया ट्रूप नहीं है, क्यों कोई नया बिल्डिंग लेवल नहीं है, या फिर कोई नया डिफेंस नहीं है, या फिर कोई नया कुछ नहीं है, क्योंकि सब लोग इसी चीज़ का वेट करते हैं। मेरे को पता है कि ये जो छोटे मोटे चेंजेस है ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं, बट हम लोग को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग को ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि क्या नया ट्रूप आ रहा है, क्या नया बिल्डिंग आ रहा है, नया क्या आ रहा है, व्हाट इज़ न्यू। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है डेरियन ने, एंड डेवलपर जो एक है गेम डेवलपर ईमो शायद नाम है उनका, उन्होंने एक चीज़ बताया कि एंड ऑफ दिसंबर मतलब इस साल के एंड तक एक बहुत बड़ा अपडेट आने वाला है, और हमको आपको सभी को पता है वो बड़ा अपडेट क्या है, टाउन हॉल 13.99% की चांसेस है। अब आप बोल रहे होगे कि अभी क्यों नहीं, या फिर अभी कुछ बड़ा क्यों नहीं। अब देखिए, आपको पता होगा कि CWL के जो ग्लोबल फाइनल्स है, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है, उसका जो फाइनल्स है वो ऑलमोस्ट आने ही वाला है इस महीने के लास्ट में। ओके, सो इस महीने के लास्ट में अगर फाइनल्स हैं और आप गेम में कुछ बड़ा चेंज कर दो, अचानक से कोई नया ट्रूप ला के दे दो, या फिर कोई नया डिफेंस ला के दे दो, या फिर बिल्डिंग्स के लेवल बढ़ा दो, तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा इस फाइनल में। क्यों? क्योंकि लोग जो हैं उस चीज़ को एडजस्ट करने में टाइम लगाएंगे और स्ट्रैटेजीज चेंज होंगी, मेटास चेंज हो जाएंगे, तो मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए वो वेट कर रहे हैं कि फाइनल एक बार ख़त्म हो जाए, सब कुछ स्मूथली ख़त्म हो जाए, उसके बाद जो भी अपडेट्स हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं नया वो डालें। तो मेरे हिसाब से क्योंकि वो डेवलपर अपडेट डाल रहे हैं अभी, तो फिलहाल आई थिंक ये CWL के वर्ल्ड चैंपियनशिप खत्म होने के बाद डाल देंगे, तुरंत डाल देंगे मेरे हिसाब से, नेक्स्ट वीक नहीं सॉरी जब भी वो हो जाएगा उसके बाद डाल देंगे, और मे बी नवंबर में कुछ हल्का फुल्का हमें देखने को मिले, ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि दिसंबर में बहुत बड़ा एक अपडेट जैसे मैंने बताया आपको प्लान है। सो गाइस, यही थी आज की वीडियो, सारे चीज़ों को मैंने ब्रेक डाउन किया, एक्सक्यूज़ मी। सो जैसे मैंने बताया आपको गाइस, सारी चीज़ों को मैंने ब्रेक डाउन किया, आपको मे बी एक प्रॉपर आइडिया आ गया होगा कि क्या आने वाला है, कैसे आने वाला है और कब तक आने वाला है। ये तीन चीज़ें सबसे बड़ी सरदर्द हमारी हो जाती है कि कब आएगा, क्या आएगा और क्या, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, छोड़िए। ओके, सो आप लोग प्लीज़ अपने कमेंट्स जो है, अपने थॉट्स जो है वो कमेंट सेक्शन में डालना, मेरे साथ शेयर करना कि इन चीज़ों में से आपको कौन सी चीज़ें अच्छी लगी, कौन सी चीज़ें आपको लगती है बेकार है, या फिर किसी काम की नहीं है, या फिर ना होती तो भी चलता, और आने वाले टाइम में देखते हैं कि क्या नया आता है। मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि मैं कोशिश हमेशा यही करता हूँ कि जो भी चीज़ें आएँ उनको ब्रेक डाउन करूँ आप लोगों के लिए, वीडियोज़ बनाता हूँ आप लोगों के लिए, स्ट्रेटजीज़ बनाता हूँ, स्ट्रेटजीज़ अभी थोड़ा कम बनाता हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो उनके बारे में काम करता हूँ, ऐसा नहीं है नहीं करता हूँ। तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी खेलते हैं, और बस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए अच्छे रहें, एंड एज ऑलवेज गाइज, जय हिंद।